मैच के 38वें ओवर में सूर्य के इस कैच ने दिलाई टीम इंडिया को जीत, नहीं तो हार तय थी। जीत की तरफ बढ़ रही थी श्रीलंका, फिर सूर्य दीवार बनकर खड़े हो गए। सूर्य ने लपका ऐसा चमत्कारी कैच, अंपायर भी आउट देने में हो गए कंफ्यूज। श्रीलंका की टीम एक समय भारत के खिलाफ एशिया कप की सुपर फोर मुकाबले में जीत की तरफ बढ़ रही थी। 214 रनों के लक्ष्य के जवाब 99 रनों पर 6 विकेट गिरने के बाद धनंजय डी सिल्वा और दुनित वेला लगे क्रीज पर टिक गए। टीम ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया, दोनों आसान से रन बनाने लगे। इसके बाद लगने लगा कि श्रीलंका लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएगी। टीम के जीतने के चांस 60% से ज्यादा हो गए, लेकिन फिर धनंजय डी सिल्वा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। 38वें ओवर की पहली दो गेंदों पर श्रीलंका को 5 रन मिल गए। जीत के लिए 4 से भी कम के रन रेट से रन बनाने थे, लेकिन तभी धनंजय डी सिल्वा ने गेंद को उड़ाने की कोशिश की। रविंद्र जडेजा के खिलाफ उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से स्पिन के खिलाफ जाकर शॉट लगा दिया। गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और वहां खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई। उनका विकेट इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। धनंजय डी सिल्वा के आउट होने पर महेश तीक्ष्णा क्रीज पर उतरे। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने श्रीलंका के लिए शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और इसकी वजह सूर्य कुमार यादव रही। हार्दिक पांडे की गेंद पर तीक्ष्णा ने रन चुराने की कोशिश की, गेंद हवा में गई और मिड ऑन से सूर्य कुमार यादव ने आगे भागते हुए गेंद को लपक लिया। ये इस मैच का बेस्ट कैच भी था। मैदानी अंपायर ने थर्ड अंपायर से मदद मांगी और उन्होंने रिप्ले देखने के बाद बल्लेबाज को आउट करार दे दिया। कुलदीप यादव की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने 41 रन से मैच को अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही टीम फाइनल में ही पहुंच गई। कुलदीप ने 9.3 ओवर में 43 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 33 रन पर 2 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह को 2 तो वहीं मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या को 1-1 सफलता मिली। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में 213 रन बनाए, जिसके बाद श्रीलंका की पारी को 41.3 ओवर में 172 रनों पर समेट दिया। तो आप भी सूर्य कुमार यादव के शानदार कैच पर अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।